जय श्री कृष्णा दोस्तों दोस्तों आज हम बात करेंगे पितृदोष के बारे में कि अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो उसको आप कैसे देख सकते हैं, उसकी वजह से आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं और उसका उपाय क्या है। देखिए, अगर आपकी कुंडली में सूर्य के साथ राहु या केतु बैठे हुए हैं या आपके मून के साथ आपके राहु और केतु बैठे हुए हैं तो ये पितृदोष का सबसे मेजर रीजन है। इसके अलावा ऋग्वेद के हिसाब से तो अगर आपके शनि के साथ सूर्य बैठे हुए हैं तो इसको भी पितृदोष ही माना जाता है। देखिए, इसके जो इफेक्ट्स होते हैं उसमें क्या होता है कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन आपको उसका जो इफेक्ट है वो खाली 10% आता है। आपका सक्सेस जो है वो बहुत कम होता है। आपके जो साथी होते हैं उतना ही काम करके बहुत आगे चले जाते हैं लेकिन आप थोड़ा पीछे रह जाते हैं। अगर आप कहीं ना कहीं धन अर्जित भी कर लेते हैं, आपको धन की दिक्कत नहीं होती, तो इसकी धन के साथ तो चलो मिल गया, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो लाइफ होती है, आपकी जो पर्सनल और सोशल लाइफ होती है, उसमें आपके आर्ग्यूमेंट्स छोटी छोटी बातों पर होते हैं। आपकी जो मैरिड लाइफ होती है उसमें दिक्कत आती है। अगर आपके किड्स हो गए हैं, आपके बच्चे हो गए हैं, तो उनकी जो तबीयत होती है उसमें दिक्कत आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ऐसे पितृदोष की फैमिलीज में देखिए सुसाइड की टेंडेंसी, एक्सीडेंट्स की टेंडेंसी और अननेचुरल डेथ की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। उनको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स झेलने पड़ते हैं। देखिए, इसके लिए आप क्या करिए, आप एक तो अपनी पूजा करा सकते हैं जहाँ पे पितृदोष से निवारण हो। इसके अलावा जब भी आपका अमावस का टाइम आएगा उस समय आप किसी ब्राह्मण को खाना खिलाइए, आप पीपल या बरगद के पेड़ पे जाके जल चढ़ाइए, उससे भी पितृदोष से मुक्ति मिलती है और उसके इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो कम होते हैं। आप जितना जिस ज़रूरतमंद को खाना खिलाएंगे अमावस के दिन, जितना ब्राह्मण को आप खाना खिलाएंगे, उनको कुछ ज़रूरत की चीज़ें देंगे, उससे आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। इसके अलावा अमावस के दिन आप क्या करिए, आप किसी या तो शिव जहां आपका पौराणिक मंदिर है आप वहां पे जाइए। अगर आप वहां नहीं जा सकते हैं तो आप क्या करिए, किसी पीपल के पेड़ पे जाके आप साउथ की तरफ देखते हुए एक वहां पे आटे का दिया जिसमें आप घी रखिए उसको जलाइए और वहां पे अपने पितरों की शांति मांगिए। इसके अलावा जो सबके मेजर उपाय है उसमें आप क्या करिए, जो पक्षी होते हैं उनको दाना डालिए। अगर आपका ये जो कॉम्बिनेशन है सूर्य राहु का या सूर्य केतु का या मून राहु या मून केतु या शनि और सूर्य का केतु, आप अपनी बर्थ चार्ट में देखिए कि ये कॉम्बिनेशन कहाँ बैठा है। अगर ये पहले और आठवीं राशि में बैठा है तो ये मंगल के घर में है, तो आप एक दिन पहले मसूर की दाल जो होती है ट्यूजडे के दिन पक्षियों को आप खिला सकते हैं। आपको एक दिन पहले इस मसूर की दाल को भिगोना है और ट्यूजडे के दिन आप पक्षियों को खिला सकते हैं। और अगर यही आपका कॉम्बिनेशन दूसरी या सातवीं राशि में बैठा है तो ये वीनस के घर में है, तो जो चावल के टुकड़े होते हैं उसको एक दिन पहले भिगो दीजिए और आप पक्षियों को खिलाइए। अगर यही आपका कॉम्बिनेशन तीसरी और छठी राशि यानी कि बुध की राशि में बैठा है तो आप पक्षियों को जो मूंग की दाल होती है हरे कलर की वो खिलाइए। और यही कॉम्बिनेशन अगर आपका चौथी राशि में बैठा हुआ है तो आप फिर से जो चावल के छोटे टुकड़े के दाने होते हैं वो आप भिगो के खिला सकते हैं। और यही अगर आपका कॉम्बिनेशन पांचवी राशि यानी कि सूर्य की राशि में बैठा हुआ है तो आप जो बाजरा होता है उसको भिगोइए और वो पक्षियों को खिलाइए। और यही कॉम्बिनेशन अगर आपका नौवीं और बारहवीं राशि में बैठा हुआ है यानी कि गुरु के घर में, जुपिटर के घर में बैठा हुआ है, तो जो चने की दाल होती है उसको आप भिगोइए और वो आप पक्षियों को खिलाइए। यही आपका कॉम्बिनेशन अगर दसवीं और ग्यारहवीं राशि में बैठा हुआ है यानी कि शनि की राशि में बैठा हुआ है, तो जो काली दाल होती है उसको आप भिगोइए और वो आप पक्षियों को खिलाइए। इससे आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, जो पितृदोष की प्रॉब्लम्स हैं, वो बहुत ज़्यादा कम होंगी। देखिए, कोई अगर आपकी कुंडली में इफेक्ट आया हुआ है, जो कोई कनेक्ट बना हुआ है, वो बिल्कुल ख़त्म तो नहीं होगा लेकिन उसके जो इफेक्ट्स होते हैं आपके पुण्य कर्मों से धीरे धीरे कम होंगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों।